डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा श्रीवास्तव पहुंचे, जहां उन्होंने इकोना जगतजीत इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी सरकार की तारीफ की और कहा कि सरकार हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दे रही है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 1,37,000 लोगों के जो रिक्त पद थे उनको हमने विज्ञापित करके उनकी सुचारू रूप से परीक्षा का भी संपादन कराया है और अभी अभी हमारे 1 और 2 तारीख को माध्यमिक शिक्षा के कई हजार जो शिक्षकों की बड़ी सफलतापूर्वक परीक्षा हो गई। अभी 1-2 मार्च में भी हमारे जो बचे हुए जितने खाली पद हैं माध्यमिक शिक्षा के वो भी हो जाए। यानी सरकार ने रोजगार के संबंध में जो भी वादे किए, चाहे पुलिस भर्ती के लिए रहे हों, चाहे शिक्षक की भर्ती के रहे हों, चाहे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती रहे हों, हमने काफ़ी हद तक उनको पूरा कर दिया है। पहले 21 साल में पूरा कर दिया, जो लोग 5 साल में 15 साल में नहीं करे वो हमने अभी किया है। और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार, आप अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर्स मीट में जो 60,000 करोड़ के एग्रीमेंट्स हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के अंदर मोबाइल फोन अगर पूरे देश में बन रहे 100 तो 65 हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यानी आईटी के क्षेत्र में हम नंबर 1 पूरे देश में बन गए। 65% जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जो मोबाइल फोन्स है, वो हम बना रहे हैं, चाहे इक्विपमेंट हो चाहे हम मोबाइल फोन हो। हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवास बनाने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा शौचालय बनाने वाला उत्तर प्रदेश। इस मौके पर दिनेश शर्मा ने सपा बसपा और गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि तीनों आपस में भाई भाई हैं और सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आज वो प्रचार करते हैं किसी एक दल के नेता का, वो नेता 3 बार से लोकसभा चुनाव लड़ा रही है। पिछली बार 46 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, 44 हार गए थे, 31 में जमानत जब्त हो गई थी कांग्रेस की और 2 सीटें केवल जीती थी। अब वो प्रचार करके इस प्रकार का आडंबर पैदा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। शिक्षा मंत्री भी है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पूरक पार्टी है। वो बीजेपी के वोट काटने के लिए सपा और बसपा के द्वारा खड़ी की गई है। ये तीनों दल एक है और तीनों दल मिलके हारेंगे बीजेपी से। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आगामी लोकसभा में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिनेश शर्मा के दावों में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्रावस्ती से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट।